यू माय मेकअप कलेक्शन एंड अदर स्टफ्स टू। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैंने कल इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि क्लीनिंग माय वैनिटी। सो मैंने अपने वैनिटी को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लीन किया है और रखा है। सो मैं आज आप लोगों को पूरा मेरा मेकअप कलेक्शन एंड अदर जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हो सो माई इंस्टाग्राम हैंडल लेखा अंडरस्कोर बर्थडे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज पहले मैं आप लोगों को अपनी वैनिटी दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने ये वैनिटी अपने अकॉर्डिंग बनवा के लिए, मुझे जैसी चाहिए थी वैसे मैंने बनाई है। सो मैं आप लोगों को पहले वो टूर दे देती हूँ फिर मैं अपना मेकअप कलेक्शन और पूरा वैनिटी टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज मैंने कुछ इस तरह का अपना वैनिटी बनवा के लिया है, आप देख सकते हैं। सो आप लोगों को जो नीचे के ड्रॉर्स दिख रहे हैं, इन दो ड्रॉर्स में मेरे कुछ अनयूज सामान है जो कि मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। एंड इस वाले ड्रॉर में मेरा कुछ जो बैंगल्स वगैरह होते हैं साड़ी पे पहनने के लिए वो रखा है एंड कुछ मेरे बेकिंग के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। देन हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर के तरफ भी मैंने कुछ अपने बेडशीट्स जो मुझे कभी कभी लगते हैं वो मैंने रखे हुए हैं, पिलो कवर्स वगैरह, क्योंकि इतने दूर मेकअप प्रोडक्ट्स रखने का कोई मतलब मुझे फ़ायदा नहीं लगा इसलिए वहाँ पे मैंने सब बेडशीट्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद आप ये सेक्शन देख सकते हैं, ये पूरा सेक्शन मेरा डेली यूज़ का सामान है इसमें। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईना है, यहाँ पे मैंने आईना लगाया और यहाँ पे हैंडल नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये नेचुरल लगना चाहिए, मतलब कोई भी जब देखता है तो इन मतलब सबको लगता है कि बस यहाँ पे एक आईना है और बस इस यही पोर्शन है, लेकिन मैंने कुछ अंदर की तरफ बनवा के लिया है जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो ये डोर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरा मेकअप कलेक्शन रखा है। इस साइड जो मुझे रोज लगता है ना गाइज वही रखा है, और ये मेरा मेकअप, मैं रोज मेकअप तो नहीं करती हूँ इसलिए मैंने इसे अंदर रखा है, मतलब खराब भी नहीं होता क्योंकि डस्ट के वजह से कभी कभी मेकअप प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं। सो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को एक एक मतलब करके आप लोगों को सारा दिखाती हूँ। मैंने कुछ देसी जुगाड़ करके यहाँ पे बस न्यूज पेपर बिछा है गाइज कि अपने प्रोडक्ट्स भी अच्छे रहे और डस्ट भी ना रहे। सो डोंट माइंड, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर फोल्ड करके बस बिछा दिए। पहले मैं इस साइड का पोर्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आप लोगों को ये सेक्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक कॉफ़ी मग रखा हुआ है जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसी यूज़ में मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए यूज़ किया जाए। यहाँ पे मैंने कुछ अपने काजल्स रखे हैं, कुछ लिप लाइनर रखे हुए हैं और कुछ अपने आईब्रो पेंसिल्स, ये सब रखा है। मेरे बहुत सारे लिप पेंसिल्स हैं मेरे पास तो मैंने इसी में रख दिए। देन नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉम्ब्स है मेरे और नीलेश के। देन उसी में मैंने गॉगल्स अटैच कर लिए, उसे अलग से रखने से अच्छा मैंने उसमें ही लगा दिए, जब भी चाहिए होगा तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मेकअप ब्रशेस का बॉक्स है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। देन यहाँ पे मैंने एक कैंडल रखा है जो कि मैं हमेशा अपने बैकग्राउंड में जो जलाती हूँ वही कैंडल यहाँ पे मैं हमेशा रखती हूँ। अब हम ऊपर का सेक्शन देखते हैं जिसमें ये जो है मुझे डेली लगता है, मैं जब भी नहा के आती हूँ उसके बाद जो जो प्रोडक्ट्स मैं अप्लाई करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। फर्स्टली है बॉडी लोशन, देन आप देख सकते हैं डीओ, मैं नहाने के बाद डीओ, परफ्यूम या फिर अत्तर, ये कुछ भी अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे अत्तर और परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मॉइस्चराइज़र है बायोटिक का, यहाँ पे मेरा सनस्क्रीन है, देन हाइलोरोनिक एसिड सीरम है जो कि नहाने के बाद मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ममाअर्थ के यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। ये पर्सनली मेरे फेवरेट्स प्रोडक्ट है। ये फेस वॉश है, ये मास्क है एंड ये टोनर है। कभी कभी वीकली मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है। देन वादी हर्बल का लिप बाम है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं नहाने के बाद हमेशा जो भी अपना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद जो भी मैं लूज पाउडर अप्लाई करती हूँ वो ये है मेबेलिन फिटमी का, जो कि मैंने हमेशा आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। देन रात के लिए यहाँ पे मैंने निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर रखा है, मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं सीरम लगाती हूँ उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ।
देन उसके बाद ऊपर का सेक्शन, यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखी है जिसमें बहुत बेसिक सामान रखे हुए हैं, जो कि है मेरे बेल्ट्स, कुछ हेयर पिंस है, हेयर पिंस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ हेयर पिंस लिए हुए हैं, सो यहाँ पे ही रख दिए। पिंस है, देन क्लचर्स है, कुछ स्क्रंचीज दिख रहे हैं आपको, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पिंस है, देन मेरे ब्रेसलेट्स है, कुछ नेक पीस रखे हुए हैं जो कि मैं कभी कभी, मतलब जब भी वीडियोस निकालती हूँ या बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है सो ये ऊपर ही रखे हैं मैंने उसे, और कुछ मैंने छोटे छोटे रबर्स वगैरह रखे हैं। वैसे तो मैं अभी स्क्रंचीज ही प्रीफर करती हूँ, लेकिन फिर भी रख दिए अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। सो दैट्स इट, इस बास्केट में इतना ही सामान है। उसके बाद उसके बाजू में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने कुछ नेल पेंट्स रखे हुए हैं। सो मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स है गाइस, सो मेरे पर्सनल फेवरेट्स है, ये माई ग्लैम से लिया हुआ सेट है जो कि ग्लिटरी शेड में है, मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा, मतलब ज़्यादातर मोस्टली मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, मुझे जब भी इच्छा होती है तो ग्लिटर लगाने की, सो दिस इज़ माई फेवरेट। उसके बाद मेरा फेवरेट है मनीष मल्होत्रा का जो शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है गाइस, ये थोड़ा पेस्टल पर्पल कलर में है, मुझे बहुत पसंद है। सो या मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ खोल के, कुछ इस तरह का शेड है गाइस, मुझे बहुत पसंद है, एकदम लाइट शेड है, कभी कभी लाइट शेड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं अपने हाथों पे। सो या दैट्स इट। ओके, सो इस सेक्शन में बास्केट्स एंड मेरे सारे नेल पेंट्स और नेल पेंट रिमूवर थिनर और ये नेल पेंट रिमूवर है, सो यहाँ पे इतना ही सामान रखा है। उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, सो यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस रखे जो कि है ये जो मैं हमेशा रिंग लाइट यूज़ करती हूँ, तो मैं हमेशा मेरा काम होने के बाद मैं बॉक्स में रखना प्रीफर करती हूँ निकाल के, सो यहाँ पे मैंने बॉक्स रखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जब भी मेकअप का वीडियो निकालती हूँ सो मैं एक मिरर अपने पास रखती हूँ, सो यहाँ पे मैंने अपना मिरर है, मिरर का बॉक्स है, इसके अंदर मिरर है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा हेयर ड्रायर है, देन यहाँ पे कुछ टिश्यू पेपर्स है और कुछ मेरे फेस मास्क के जो चंदन पाउडर और मुल्तानी पाउडर के जो पैकेट्स है वो रखे हुए हैं, और यहाँ पे मेरे फेशियल वाइप्स है। ये तीन आप लोगों को इसलिए दिख रहे हैं जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ और जब लास्ट के 5-6 जब बच जाते हैं ना तो उसमें का जो सीरम होता है ना वो निकल जाता है, सो मैं क्या करती हूँ ये फिर भी मैंने रखे हुए हैं, मैं उसमें रोज़ वाटर या माइसलर वाटर यूज़ करके अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, सो इसीलिए मैंने ये रखे हुए हैं, सो इसे भी मैं जल्दी जल्दी यूज़ करके अब फेंकने वाली हूँ। सो ये पोर्शन तो कवर हो चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस साइड, ठीक है। सो मेरा गाइज मेकअप का कलेक्शन इस साइड से शुरू होता है, सो ये जो नीचे का पोर्शन है वो मैंने नीलेश को दे दिया एक छोटा सा कोना कि भाई तेरे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो तू रख, उसका कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, उसको ही दे दिया है कि जो भी उसे चाहिए वो रखे, सो इसीलिए सो हम लोग उसे स्किप करते हैं। सो इसके बाद हम लोग ऊपर का पोर्शन देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चारों जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं डर्माकू के प्रोडक्ट्स है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट है गाइज, जो कि 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम है, इसे मैंने रीपर्चेस किया है, ये एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसे हम लोग डे और नाइट दोनों में अप्लाई कर सकते हो, आपको जब भी बाहर जाना होता है तो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले आप जरूर ये अप्लाई करें, सो इट्स वेरी नाइस। सो उसके बाद यहाँ पे 4% विटामिन ई फेस सीरम फॉर ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, इसमें आप लोगों को विटामिन ई मिलेगा, सो ये जो है नाइट में मैं अप्लाई करती हूँ, जब भी मैं सोने ही जाती हूँ उसके पहले अप्लाई कर लेती हूँ। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रूट AHA का फेस क्रीम है, सो इसे मैंने अभी नया परचेस किया है, इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसमें लिखा हुआ है फ्रूट AHA टी ट्री ऑयल एंड इज़ फॉर डे एंड नाइट, सो अभी तक मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है, इसे मैंने अभी जो नायका पे सेल चल रहा था गाइस तब मैंने ये ख़रीदा है, सो मैं इसे यूज़ करूँगी और मैं आपको फिर इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये क्रीमी जो फेस क्लींजर आप लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छा है,
जो स्किन है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लगती है, और जो भी आपका एक्सेसिव ऑयल है वो रिमूव कर देता है विदाउट ड्राइंग योर स्किन गाइज। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने फेवरेट प्रोडक्ट दिखाती हूँ, हेयर प्रोडक्ट्स, जो कि है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम एंड लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम। गाइज लिटरली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है ये, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा वर्क करेगा मेरे हेयर्स पे, मुझे बहुत अच्छे लगे। इसे मैंने अभी 3 वीक्स तक मैंने कंटिन्यूस इसे यूज़ किया है। मैं चाह रही थी कि पूरा 1 से 1.5 महीना मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी गाइज। सो अभी भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इट्स वेरी नाइस प्रोडक्ट्स, सो मैं इसके रिव्यूज़ आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करने वाली हूँ। सो उसके बाद है नाइका स्किन पोशन ड्राई एंड डल स्किन, इसे भी मैं कभी कभी अपने स्किन पे रात को सोने से पहले अप्लाई कर लेती हूँ जब मेरी इच्छा हो जाती है। सो उसके बाद है गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल, सो ये मैं अपने DIY जब भी मास्क हेयर मास्क वगैरह बनाती हूँ सो मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। देन उसके बाद है निकोलिप्स का स्क्रब, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, बहुत अच्छा लिप स्क्रब है। उसके बाद है ये भी सीरम ही है गाइस, जब ये सीरम मैं यूज़ नहीं करती थी, सैलिसिलिक हाइलोरोनिक डर्माको के जो जब मैं प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती थी, सबसे पहला मेरा जो प्रोडक्ट था वो था फ्रैंकिनसेंस का, ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। लेकिन इसे कभी भी मतलब बिना मॉइस्चराइज़र के अप्लाई मत करना गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होती है। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, सो इसे आप मॉइस्चराइज़र के साथ ही अप्लाई करना। सो मेकअप रिमूव करने के लिए यहाँ पे गार्नियर का माइसलर क्लिंजिंग वाटर है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, बहुत अच्छे से आपका मेकअप रिमूव कर देता है। सो ये रहा मेरा स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो हाँ गाइज, ये नहीं दिखा है, ये भी मेरा परफ्यूम है, ये मैंने अभी परचेस किया है, नया परफ्यूम है, वेरी इजी टू कैरी, ट्रैवल फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, ये भी अच्छा है। इसका जो फ्रेग्रेंस है थोड़ा सा मस्क, जो मस्क मेलन होता है ना उसके टाइप में फ्रेग्रेंस है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वैसे रोज़ का वगैरह, लेकिन रोज़ का कोई एक्सट्रैक्ट मुझे इसमें नज़र नहीं आया, बट ठीक है, माइल्ड है, नाइस, इट्स वेरी नाइस। सो दैट्स इट, ये पोर्शन हो चुका है। सो अब बढ़ते हैं ऊपर के सेक्शन की तरफ। सो यहाँ पे गाइज मेरे कुछ आई शेडो पैलेट्स, कुछ ब्लशर्स और कुछ लिपस्टिक्स हैं। सो पहले हम लोग लिपस्टिक्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ मेबेलिन के शेड्स है, बहुत अच्छे पाउचेस में है ये शेड्स, काफ़ी अच्छे हैं, न्यूड शेड्स हैं। मेरे पास अभी 3 है, मैंने 4 ऑर्डर किए थे। सो फर्स्ट जो गिव अवे विनर था उसको मैंने इसमें से 1 शेड दिया हुआ है, मैट शेड्स है गाइज। उसके बाद है ये एलिटिन का कलर पॉप्स मैट, ये भी अच्छा शेड है, फेसेस कैनेडा है। देन शुगर के मिनी लिपस्टिक्स है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ शेयर किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद माय ग्लैम का लिप बाम है, थोड़ा सा पिंक टिंट में है। सो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ। सो ये भी एलिटिन का है। देन कुछ ऐसे ही मेरे कलर एसेंस के और माई ग्लैम के मेरे पास ज़्यादा है गाइज। सो माई ग्लैम के यहाँ पे मेरे पास 4 शेड्स है, काफ़ी अच्छे शेड्स है, मैंने न्यूड शेड्स में ही लिए हुए हैं। सो इसे मैं अपने वीडियोस में वगैरह कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ। एंड मेरे पास कुछ 2 हुडा ब्यूटी के भी लिक्विड मैट शेड्स है, ये और ये 2। सो ये रहे मेरे लिपस्टिक्स, मुझे और भी ब्रांड्स के लिपस्टिक्स ट्राई करने हैं। जब मैं सोच रही हूँ कि जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे तब मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगी। देखते हैं अब कब ख़त्म होंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेरे पैलेट्स की तरफ। यहाँ पे है माई ग्लैम का सेंट नूड्स आई पैलेट, बहुत अच्छा पैलेट है गाइज, ये बहुत छोटू सा एकदम, और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसमें जो शेड्स है 4 आई शेडोज़ है इसमें, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स है, ये मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन ये बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, जैसे कि ये वाला जो शेड है कॉन्टोरिंग के लिए, ये ब्लश के लिए यूज़ होगा, और ये 2 आप आई शेडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप अलग से पैलेट नहीं खरीदना चाहते हो कॉन्टोरिंग और ब्लश का, सो इट्स वेरी नाइस, सो आप ये खरीद सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कलर बोर्ड का आई शेडो पैलेट है, इसमें के भी आप लोगों को शेड मैंने दिखा दिए है, बहुत अच्छे पैलेट है ये।
और उसके बाद ये ब्लशर है, देन ये है रोज़ गोल्ड पैलेट, इसके साथ भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये मैंने नया लिया है अभी जो है मैट लुक का आई शेडोज 18-1 आई शेडो एंड हाईलाइटर्स, सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, बस एक बार यूज़ किया है वो भी सिर्फ ग्लिटर के लिए यूज़ किया था, उसके बाद आई शेडोज़ वगैरह के लिए मैंने ज़्यादा इसे यूज़ नहीं किया है, इसे भी मैं ज़रूर जल्दी से यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कॉन्टोरिंग और हाइलाइटर है जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में दिखाती हूँ, यही दो मेरे पास मिनी पैलेट है शुगर के। सो ये मेरे लिपस्टिक्स और ये मेरे पैलेट्स। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ अपने फाउंडेशंस, कुछ अपने प्राइमर, कंसीलर ये सब रखा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेरे कुछ आई लैशेस है जो कि मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, इसमें चार और पाँच छः पैकेट्स थे, मैंने यूज़ कर करके उसे फेंक दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी लगाना नहीं आता, इसे मैंने शो के लिए ख़रीदा है शायद, पता नहीं मैं कब सीखूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर्स है जो मैं इसे कभी कभी अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ। उसके बाद इस पाउच में आप देख सकते हैं मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स है, मैंने इसे अभी वॉश करके रखे इस पाउच में, मैंने ऐसे खुले रखोगे ना गाइस तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे पाउच में रखा है। और दूसरा वाला उसमें दो है और ये तीसरा वाला, इसमें मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ कभी कभी, पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ इससे। इसे मैंने इस पाउच में उस बॉक्स में ही रखा हुआ है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कलर बार का सेटिंग स्प्रे है मेकअप फिक्स करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लू हेवन के दो आईलाइनर्स है, उसके बाद मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन है, देन नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन है, देन शुगर के दो प्राइमर है, ये मॉइस्चराइजर भी है गाइस। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, देन ये मैट लुक का फाउंडेशन है, मैट लुक का प्राइमर है, देन ये स्विस ब्यूटी का आईलाइनर है गाइस, और आईब्रो को लगाने के लिए भी है इसमें पाउडर टाइप में, पाउडर फॉर्म में स्विस ब्यूटी का है, बहुत अच्छा है। देन ये ऑरेंज कलर करेक्टर है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैट लुक का कंसीलर है, मैंने ये नया स्टॉक लिया है मैट लुक का, मुझे इसे ट्राई करना था इसीलिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये शुगर का आईलाइनर है, देन हुडा ब्यूटी का मस्कारा है, देन उसके बाद के ब्यूटी का आईलाइनर है गाइस, उसके बाद यहाँ पे नायका का ग्रीन कलर करेक्टर है जो कि एक्नेस के लिए बहुत अच्छा है, मैं उसे यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आप लोगों को कंसीलर दिखेगा, दो कंसीलर, एंड ये शुगर का कंसीलर है। ज़्यादातर ये मैं स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये रहा मेरा, कुछ ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास गाइस, बस अभी तक तो इतना ही है फिलहाल, ये मैंने सारा कुछ लिया है अपने पैसों से लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही लूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ मेकअप पाउचेस वगैरह रखे हुए हैं जो कि कभी ट्रैवलिंग के वक्त काम आता है। इन दो पाउचेस में मेरे कुछ इंडियन ज्वेलरीज और वेस्टर्न ज्वेलरीज ऐसा कुछ रखा हुआ है इन दो तीन पाउचेस में, और दो तीन पाउचेस ऐसे ही खाली रखे हुए जब भी ट्रैवलिंग करना होता है, ये खाली पाउचेस काम आ जाते हैं। दैट्स इट, ये रहा मेरा वैनिटी टूर। गाइस ये रहा मेरा वैनिटी टूर। इसमें से आप लोगों को कौन सा पोर्शन या फिर कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और गिव अवे अभी भी चल रहा है गाइस, प्लीज़ गो एंड पार्टिसिपेट। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स, सारंगे।